हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वीज़ा कैंसिलेशन को लेकर। वीज़ा कैंसिलेशन आपका नहीं होता है, क्या है, कंपनी अगर वीज़ा कैंसिल नहीं करती है तो क्या सिचुएशन होता है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, जब आप एक कंपनी आपको वीज़ा स्पॉन्सर करती है, ठीक है, लेकिन आप उस कंपनी में अब आगे के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, तो फिर कंपनी आपको अपने वीज़ा स्पॉन्सरशिप में नहीं रखती है। ऐसे में क्या करना होता है, वीज़ा कैंसिलेशन करना होता है। लेकिन कोई कोई कंपनीज क्या करती हैं कि वीज़ा कैंसिलेशन नहीं करती हैं, तो इसके ऊपर जो फाइन आता है वो किसको आता है? अगर आप वीज़ा कैंसिलेशन नहीं करते हैं और आपका जो वीज़ा है वो डीएक्टिवेट दिखाता है या एक्टिवेट नहीं रहता है, तो ये जितने भी फाइन्स बनते हैं वीज़ा से रिलेटेड, ये आपको पे करने होते हैं, ना कि कंपनी को। भले कंपनी स्पॉन्सर करती है, लेकिन जो फाइन्स होते हैं वो आपके ऊपर आता है। इसलिए ध्यान दीजिए कि अगर आप कंपनी में जॉब छोड़ते हैं तो वीज़ा कैंसिलेशन जरूर करवाइए। कंपनी अच्छी है तो वीज़ा कैंसिल वो लोग खुद कर देते हैं, लेकिन इस समय पे क्या हो रहा है कि आप लोग वीज़ा पूरा नहीं करते हैं, 2 साल का वीज़ा लगा है, 9 महीने बाद, 10 महीने बाद वीज़ा आप लोग कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करती है कंपनी, वीज़ा कैंसिल नहीं करती है आपका, ताकि आपका जो दूसरी जगह जॉब लग रहा है या आप दूसरी बार अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो वीज़ा आपका नहीं लगे। यही कारण है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी दूसरे कंपनी का वीज़ा लगवाने से पहले या एग्जिट करने से पहले, बिना कैंसिल करवाए, कंपनी करे या आप खुद करें, बिना कैंसिल करवाए एग्जिट मत कीजिए, नहीं तो आप जब दोबारा आएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका वीज़ा एक्टिव रहेगा, कोई कंपनी आपका वीज़ा लगाना चाहेगी तो नहीं लगेगा। इसलिए वीज़ा कैंसिल करवाना मत भूलिए। वीज़ा कैंसिलेशन कंपनी नहीं करती है तो आप खुद करवाइए। आप जाके मोहरे में जा सकते हैं और वहाँ पे वीज़ा कैंसिलेशन करवा सकते हैं खुद से ही, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत लोग करवाते हैं वीज़ा कैंसिलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लीगल काम है, ठीक है। वीज़ा, अपना वीज़ा कैंसिल करवाना लीगल काम है। चलिए, ये हो गया। अगर आप मोहरे पे नहीं जा सकते, किसी के थ्रू कर सकते, तो आप लोग एमर सेंटर्स जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एमर सेंटर्स हैं, कहीं भी आप लोग जा सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, वो लोग भी करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जॉब चेंज करने से पहले या एग्जिट करने से पहले आप लोग अपना वीज़ा कैंसिलेशन जरूर करवाइए। वीज़ा कैंसिलेशन नहीं करवाते हैं इसलिए सेकेंड बार जब आप लोग आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेरे को इससे रिलेटेड कि कंपनी हमारा वीज़ा कैंसिल नहीं कर रही है, दोबारा से हमारा वीज़ा नहीं लग रहा है, नई कंपनी बोल रही है वीज़ा कैंसिल करवाओ। ये सारी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े इसलिए सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोग चलिए, देखिएगा इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।